नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक्चल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम किकवॉक में ऑडियो स्ट्रेचिंग सीखेंगे और ऑडियो स्ट्रेचिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है दोस्तों। अगर ऑडियो स्ट्रेचिंग आपको करना नहीं आता है किसी भी ड्रॉ में, तो आप सैंपल को लेकर काम नहीं कर सकते। देखिए, हर एक सैंपल हर एक BPM में सेट होता है। मान लीजिए कोई सैंपल आपने डाउनलोड किया, वो 110 BPM में होता हो सकता है, 128 BPM में हो सकता है, 120 BPM में हो सकता है, 90 BPM में हो सकता है, 80 BPM में हो सकता है। लेकिन BPM हर एक सैंपल का चेंज होता रहता है दोस्तों। प्रोजेक्ट वाइज आपका प्रोजेक्ट का जो BPM है, उस प्रोजेक्ट का BPM के हिसाब से उस ऑडियो सैंपल को कैसे स्ट्रेच करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वही आज सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते आज का ये ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चले जाएंगे मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। और मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ गया हूं दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो किकवॉक का वेलकम स्क्रीन है वो खुला हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और एम्प्टी प्रोजेक्ट में क्लिक कर देंगे दोस्तों। एम्प्टी प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए, यह ब्लैंक स्क्रीन है। और ब्लैंक स्क्रीन में हम इसका जो प्रोजेक्ट का सेटिंग्स है वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिए, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो BPM है दोस्तों, टेम्पो सेट है, वो 120 में टेम्पो सेट है दोस्तों। तो यही आपको समझ लेना है। और जब भी हम किसी सैंपल को इंपोर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सैंपल का बीट रेट को हमको इसके साथ मैच करवाना है, यही आज सीखेंगे हम दोस्तों। तो चलिए, सैंपल में जाने के लिए हम लोग मीडिया में जाएंगे। और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और मेरा FL लाइसेंस में घुस जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर तबला लूप्स में जाएंगे दोस्तों। और तबला लूप्स में जाने के बाद ये ड्राई वेट डबल यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये सब 80 BPM में सेट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, इसका जितना सारा आप इधर लूप देख सकते हैं, सभी 80 BPM में सेट है। और मेरा प्रोजेक्ट कितना में सेट है, प्रोजेक्ट सेट है 120 में। किसी भी सैंपल को किकवॉक के ऊपर कॉल करने के लिए दोस्तों, इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको इसके ऊपर सुन लेते हैं दोस्तों। चलिए इसी को हम करते हैं, इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है प्लेलिस्ट के अंदर। क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो ये कॉल हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये पहले छूट गया है थोड़ा सा जगह, ये आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी जगह एम्प्टी ना रह जाए। यहाँ पर छोटा सा जगह एम्प्टी है दोस्तों, इसको हम क्लिक करके बाई तरफ ला देंगे और इसको हम छोटा कर देंगे दोस्तों। अब देखिए, इसको हम इसका टेम्पो ऑन करते हैं, उसको प्ले करके सुनते हैं दोस्तों। ये है 100 BPM में और मेरा प्रोजेक्ट है 120 BPM में। तो अब इसको प्ले करेंगे दोस्तों। मतलब ये प्रोजेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। इसका जो टिक टिक का साउंड है, टिक टिक का साउंड इसके साथ BPM के साथ मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। अब देखिए, मेरा प्रोजेक्ट 4/4 में सेट है दोस्तों। मेरा जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स 4/4 बीट में सेटिंग्स है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/4, मतलब 4/4 का आप जब किसी लूप को ड्रैग करेंगे तो या तो फिर वो 4 बार तक हो सकता है, या फिर 1 शॉट होगा तो 1 बार तक हो सकता है दोस्तों, या फिर वो 8, 12, 16 ऐसे 4-4 करके बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लूप है दोस्तों, ये लूप देखिए, इसको 4 बार तक होना चाहिए, मतलब ये 5 में ख़त्म हो जाना चाहिए इसको, या फिर ये इसको 8 में ख़त्म होना था। और छोटा करते हैं, ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, मतलब इसको 5 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 6 तक आ गया है दोस्तों। या फिर ये 4 तक होता, या फिर ये 8 तक होता, तो ये 4 के ज़्यादा करीब है,
मतलब 5 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको हमको स्ट्रेच करना है 4 बार तक, मतलब 5 नंबर तक इसको स्ट्रेच करना है दोस्तों। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, नंबर 1 ऑप्शन है और यही ऑप्शन मैं हमेशा करता हूँ, आप लोग भी यही कीजिए। क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को दबाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस कर्सर को आपको फॉलो करना है दोस्तों। माउस कर्सर अभी कैसा है देख लीजिए, माउस कर्सर अभी है, माउस कर्सर मेरा देख लीजिए, माउस कर्सर अभी आई की तरफ है, आई जैसा है दोस्तों। आप ये मैं घुमा रहा हूँ माउस कर्सर, आप देख सकते हैं अभी माउस कर्सर को अगर आप ये जो सैंपल है, इस सैंपल के एज के तरफ लेके आएंगे, ये जो एज है इसका, इस एज की तरफ लेके आएंगे तो ये देखिए डबल एरो में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों। मतलब बीच में एक लाइन, उसके बाद डबल एरो, बाएं तरफ एक एरो और दाएं तरफ एक एरो। लेकिन अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल दबाएंगे तो ये देखिए बाएं तरफ डबल एरो और दाएं तरफ डबल एरो, बीच में एक लाइन, मतलब ये हो गया टाइम स्ट्रेचिंग का सिंबल दोस्तों, ये आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मली इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो ये क्रॉप हो रहा है दोस्तों, मतलब ये अब 4 बार तक बजेगा। इसको प्ले करते हैं, मतलब ये 4 जो नंबर है 1 2 3 3 बार तक ये बज रहा है दोस्तों। इसको अगर हम खींच के बड़ा कर देंगे तो दोस्तों ये देखिए ये तो लंबा हो रहा है लेकिन ये स्ट्रेच नहीं हुआ है दोस्तों, ये सिर्फ क्रॉप हो रहा है, छोटा या बड़ा हो रहा है दोस्तों, मतलब आप काट सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसा था वैसे ही रखने देते हैं इसको। और इसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कंट्रोल और शिफ्ट दबाने के बाद ये डबल डबल एरो में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको हम ड्रैग करेंगे। और कहाँ तक ड्रैग करेंगे, इसको 5 तक ड्रैग करेंगे, मतलब 4 बार तक, 1 2 3 4। आप नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4, 5 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 बार तक चला गया, ये 4 बार तक है। किसी भी काउंट बार जब काउंट करेंगे तो 4 बार मतलब ये 5 तक आएगा, 8 बार मतलब ये 9 तक जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको फिर से एक बार सुन लेते हैं। टोटली सिंक हो गया है दोस्तों टेम्पो के साथ, मतलब 128 के साथ ये जो 100 BPM वाला जो लूप्स था इस ऑडियो सैंपल का सिंक्रोनाइज्ड हो गया है प्रोजेक्ट का जो टेम्पो सेटिंग है उस टेम्पो सेटिंग्स के साथ दोस्तों। तो चलिए हम दूसरा कुछ सैंपल को अभी यहाँ पर कॉल करेंगे दोस्तों। तो पहले आ जाएंगे, फिर से पहले आ जाएंगे, तबला लूप को नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए अब गिटार वाला कुछ सैंपल, इसको ले लेते हैं 128 BPM का, वो 100 BPM का था, ये 128 BPM का हम ढूंढेंगे दोस्तों। चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अभी ये आ गया, इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे दोस्तों और इसको पहले तक लेके आएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ आपको सीखना होगा, ये 128 BPM का है, 4x4 लूप है दोस्तों, मतलब इसको या तो फिर 4 बार तक आना चाहिए था या फिर 9 नंबर तक, लेकिन ये 9 से थोड़ा बड़ा हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है और ये 9 से बढ़ गया है दोस्तों। और इसका जो टेम्पो है वो 128 का टेम्पो में ये सैंपल सेट है दोस्तों। तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए और एक चीज़, यहाँ पर जो ये जो सैंपल है, मैं यहाँ से इसको अगर प्ले करता हूँ तो देखिए, मतलब ये यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों, ये सैंपल यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा टेल, इसका साथ एक्स्ट्रा पार्ट इधर दिया हुआ है, वो जो सस्टेन पार्ट दोस्तों, वही ये पार्ट है दोस्तों। तो क्या करना होगा, ये 9 बार तक अगर करेंगे तो ये लूप के साथ मैच नहीं करेगा दोस्तों, इसको 10 बार तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हमको एक बार मान के चलना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम स्ट्रेच करेंगे, और ये ऐसे तो ये 9 बार तक ख़त्म हो जाता, लेकिन इसको हम 10 बार तक अभी ख़त्म करेंगे दोस्तों। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, ये 10 बार तक आ गया दोस्तों। और हर बार जब हम टाइम को स्ट्रेच करेंगे तो इसको राइट क्लिक करके एक बार बाउंस टू क्लिप कर लेंगे दोस्तों, ये ज़रूरी है, आप लोग भी कर लेना। इसको भी हम बाउंस टू क्लिप करेंगे, बाउंस टू क्लिप, ये हो गया। अब इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 8 बार तक चला गया है। अब इसको हम सुनेंगे पहले से W दबा के,
सुन लिया दोस्तों, कितने अच्छी तरीके से ये टाइम के साथ स्ट्रेच हो गया है दोस्तों। आप यहाँ पर कुछ मेलोडी भी लगा सकते हैं, तो चलिए हम मेलोडी में कुछ ढूंढते हैं 100 BPM का, सुनते हैं। चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं दोस्तों, ड्रैग करेंगे और इधर ड्रॉप करेंगे, इसको लंबा कर देंगे थोड़ा सा, पहले तक लेके आएंगे, इसको छोटा करेंगे और देखेंगे ये कितना बार तक गया है दोस्तों। ये देखिए ये 12 बार तक चला गया। अब इसको क्या करना होगा, इसको हम 10 बार तक इसको खींच के लाएंगे, क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ा सा सस्टेन पार्ट है दोस्तों। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे, ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको स्ट्रेच करके हम इधर ला देंगे दोस्तों। अब सुनते हैं एक बार W दबा के, मैं मेट्रोनोम को ऑफ कर देता हूँ, अब सुनते हैं। चलिए एक को म्यूट कर देते हैं, इसको म्यूट कर देते हैं, अब सुनते हैं। सुन लिया दोस्तों, कितने अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो गया है, एकदम 100 BPM वाला जो लूप है वो 120 BPM के साथ पूरा मैच कर गया है दोस्तों। इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे और बाउंस टू क्लिप्स कर देंगे दोस्तों, ताकि कोई गलती ना हो जाए, कुछ एरर ना आए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कैसे हम किसी भी सैंपल को किसी भी BPM के साथ मैच करवा सकते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट सेटिंग्स है, प्रोजेक्ट का टेम्पो है, उसके साथ मैच कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका था, अब भी प्रैक्टिस कीजिए और आप साइमेटिक्स का लूप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लूप्स दोस्तों इंटरनेट में आपको मिल जाएगा मल्टीपल साइट से, आप ढूंढिए। अगर आपको ऐसे फ्री लूप्स का कुछ साइट्स चाहिए दोस्तों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका कमेंट में आपको वो साइट्स का नाम बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का म्यूजिक रिलेटेड केक वॉक के ऊपर और ट्रैक्स एंड वेव फॉर्म के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल हिंदी में एंड बंगाली में मैं देता रहता हूँ दोस्तों। और यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब टेक्निकल एंड जो अदर्स डिवाइस या टेक्निकल वीडियो भी मेरे चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा वीडियोस को लेके मेरा यह चैनल है दोस्तों। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्त लोगों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और पास वाले में जो घंटी का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाए दोस्तों। तो दोस्तों मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।